नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरों की खबर में। मैं कार्तिक नायक हूँ। आज खबरों की खबर में हम बात करने जा रहे हैं एक कॉमेडी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की, जिसका इंतज़ार लगभग हर कॉमेडी फिल्म देखने वाले को था। अब इसका एक ट्रेलर रिलीज हो गया है और ट्रेलर में क्या है इसके बारे में इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बालाजी टेलीफिल्म की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एकता आर कपूर की ड्रीम गर्ल्स 2 2023 की मोस्ट अवेटेड सीक्वल है और हम इस कॉमेडी फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं, जो ऑडियंस को पूर्णतः हंसाती रहेगी। कास्ट और राज शांडिल के शानदार निर्देशन के साथ हमें पूर्ण विश्वास है कि यह फिल्म 2023 की कॉमेडी हाईलाइट होगी। आयुष्मान खुराना स्टारर ड्रीम गर्ल 2 रिलीज के नज़दीक पहुंच रही है। इस बीच हाल ही में फिल्म का टीज़र जारी किया गया था और साथ ही ट्रेलर की अपडेट शेयर की गई थी। वहीं अब ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लंबे इंतज़ार के बाद ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर रिलीज आखिरकार हो ही गया। ट्रेलर ने आते ही अपनी ज़बरदस्त कॉमेडी और स्टार स्टंडिक कलाकारों के साथ फैंस को हंसा कर लोटपोट कर दिया है। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर जलवा बिखेरने के लिए अब पूर्णतः तैयार है। फिल्म के ट्रेलर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और हर तरफ पूजा की चर्चा हो रही है। ये वही पूजा है जिसने 4 साल पहले लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। इस फिल्म के साथ वो पूजा फिर से लौट आई है। ट्रेलर में गुदगुदाने वाले डायलॉग्स और पूजा की एक्टिंग फैंस को खूब पसंद आने वाली है। फिल्म में परेश रावल, असरानी, अनु कपूर, अभिषेक बनर्जी, मनोज सिंह, राजपाल यादव, मनोज जोशी, सीमा पाहवा और विजय राज समेत कई स्टार एक साथ धमाल मचाने के लिए अब तैयार हैं। फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे एक्टर आयुष्मान खुराना ने भी अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ड्रीम गर्ल 2 शुरू से ही जॉय राइड रही है, स्क्रिप्ट हंसाने वाली है और मैं एक बार फिर अपने फैंस के लिए हंसी और एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने के लिए एक्साइटेड हूँ। वहीं निर्देशक राज शांडिल्य ने फिल्म के लिए अपना उत्साह दिखाते हुए कहा कि ड्रीम गर्ल 2 शुरू से ही आखिर तक हंसी का एक दंगल है और हमने एक यादगार सिनेमाई अनुभव बनाने में अपना दिल और आत्मा लगा दी है। अब यह आपके ऊपर है कि यह फिल्म आपको कितनी पसंद आती है। तो ये थी एक छोटी सी पेशकश ड्रीम गर्ल 2 के ऊपर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।